Hi. So today, focus is to keep our health in our hands rather than putting into doctor's hand or a virus's hand, isn't it? So we all are really very cautiously. हमें एक अच्छी डाइट लेनी है. हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल, विटामिन्स, फैट सब होने चाहिए. बेशक वो ब्रेकफास्ट में हो या लंच में हो, डिनर में हो. यस, एब्सोल्युटली, यू लिसन मी करेक्टली, कि हमारे को रात को भी एक बैलेंस डाइट लेनी है आज के सिनेरियो से फाइट करने के लिए. एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए. और सनसेट की बात कहते हैं हमें कार्ब्स नहीं लेने, बट सी, अगर आप कार्ब्स बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं तो कई बार आप बहुत ज़्यादा फिटीक महसूस करते हैं. कई बार आपको रात को भूख लग जाती है और आप शुगरी फूड खाते हैं, विच इज रॉन्ग. और कभी कभी कुछ नहीं होता तो रेडी टू ईट वाला फूड हो रहा था, दैट्स सुपर रॉन्ग. एंड देन समटाइम यू फील कॉन्स्टिपेटेड इन द मॉर्निंग, दैट इज अगेन एन इशू. सो बेटर यू हैव अ बैलेंस डाइट, लाइट फूड बट राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम. And which contain all the five nutrients even at night. You can have vegetables, you can have soup, you can saute the vegetable and you can put into some dishes, like you can prepare your pav bhaji, that is super but less oil and less cheese. Similarly, you can have your noodles, you can put full vegetables, but make sure you have small quantity and right time. The next thing comes about vitamins, which is really, really very important. About vitamin D, three, which I would like to tell you. Vitamin D3 के बारे में recently research हुई कि बहुत ज़्यादा important है, specially recovery के लिए from respiratory distress disease. बहुत सारे जैसे issues आ जाते हैं COVID में और जैसे SARS में देखे गए हैं, जिन लोगों का vitamin level D कम होगा वहाँ पे issues आ जाते हैं. In fact, high mortality rates are directly correlated with the low levels of vitamin D3. So, vitamin D3 हमारी body में adequate level में होना चाहिए. अगर खुदा ना खास्ता कुछ problem हो जाती है तो आपको, अगर vitamin D level अच्छा है तो आपको hospital नहीं जाना पड़ेगा. अगर आप hospital चले भी जाते हैं तो make sure आपकी recovery बहुत fast हो जाती है. And recently मैं आपको बताती हूँ जो latest development है कि अभी vitamin D3 इमीडिएटली जैसे ही कोई पेशेंट एडमिट होता है सबसे पहले उसे विटामिन डी थ्री की डोज दी जाती है 60,000 IU की. रीजन बीइंग इट विल स्टेप अप देयर विटामिन डी लेवल एंड इट विल स्टेप अप देयर रिकवरी लेवल्स. सो प्लीज, विटामिन डी थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी फ्रॉम ऑल द रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बट इट इज अगेन अ फैट सॉल्युबल विटामिन, शुड नॉट बी टेकन इन लार्ज डोजेस. यू कैन टेक 1,000 to 2,000 IU एवरी डे फॉर 2 to 3 months, but then again you need to check your blood reports, get your blood investigation done, and then you can decide about the dosage or you should stop it. The next thing, vitamin B12, बहुत ज़्यादा important है, prominently found in animal food and vegetarians में आपका जितने भी dairy products हैं उनमें बहुत अच्छे से मिलता है. But again, जो लोग vegan हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, make sure get your vitamin B level done. And if supplementation is required, don't be scared, because vitamin B12 vegans के लिए बहुत बड़ा issue है. और vitamin B12 बहुत important है हमारी nerves की functioning के लिए, brain की functioning के लिए, and support for the production of red blood cells. So vitamin B12 is essentially required in to protect us and to keep our immune system high. So vitamin B12. The next is what I'd like to tell you about zinc. Zinc बहुत ज़्यादा immune system के लिए important है. Reason being, अभी studies में हमें जैसे पता पहले भी है कि जैसे ही zinc enter करता है, when the time zinc enters the cell of a coronavirus, it stops the production of RNA multiplication. Means आपकी body में COVID के जो जो जैसे ही आपका खाएंगे तो आपकी body में जो process है पूरी body में फैलता है वो चीज़ रुक जाती है. तो हमें जिंक जरूर लेना है. आप 10 मिलीग्राम लीजिए पर लीजिए. रीजन बीइंग कोविड में लंग डिजीजेस और बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाती हैं. बेटर यू टेक द जिंक, बिकॉज द टाइम इट एंटर्स द सेल ऑफ कोरोना वायरस इट स्टॉप इट्स मल्टीप्लीकेशन. सो वी हैव टू टेक जिंक. इट कम्स इन योर ग्रीन लीफ वेजिटेबल, नट्स एंड योर लेग्यूम्स. बट अगेन, टू स्टेप अप इम्यूनिटी, कुछ लेवल बढ़ाने के लिए बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज की डेट में जब हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, सो 10 और 20 मिलीग्राम ऑफ जिंक इज फाइन. एंड द लास्ट थिंग अबाउट मैग्नीशियम, विच इज सुपर डुपर रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ यू हैव बैड ईटिंग हैबिट्स और इफ यू पॉप अप लॉट ऑफ एंटासिड्स और यू कंज्यूम एल्कोहल एंड ऑल थिंग, द
the magnesium gets depleted from your body. So the best thing is for magnesium, what you can do, see, magnesium is very important for your mental health and for your good sleep. So magnesium has to be taken. So you can take it through the diet. So make sure you work on your magnesium level as well. Apart from that, the last thing which we all should do at all the times, that is to pray. We should remember the Almighty for whatever He has done to us. At least think two things which He has, given to us today and for which we should be thankful. Once we do this, there is a lot of positivity which comes inside us and we will protect us and make our immune system very, very healthy. Thank you. Thank you so much.